अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी वेस्ट के लिए टॉप का जो लेंथ है उसके लिए हमने लिया है 16 इंचेस, और यहाँ पे हमने शोल्डर के लिए लिया है 7 इंचेस। नेक के लिए हम लेंगे यहाँ पे 3 इंचेस, और शोल्डर के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 इंचेस। और यहाँ पे नेक जो है मैं स्क्वायर शेप में दूंगी, और यहाँ पे टोटल मुझे फैब्रिक लगा है 1.5 मीटर्स, क्योंकि इसका जो घेर है वे बहुत ज़्यादा है 1.5 मीटर्स का। सो इसलिए मुझे मेरी टोटल जो कमीज़ और सलवार है उसको मुझे बनाने में तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक्स लगे हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल देते हुए इसको राउंड सा शेप देंगे। आर्म होल हमने लिए हैं 8 इंचेस, और चेस्ट के लिए हमने यहाँ पे लूजिंग के साथ हमें लिए हैं 10 इंचेस, और वेस्ट हमने लिए हैं 8, और 1 इंच हमने लिए हैं एक्स्ट्रा जो हमारी स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने कट कर लिए हैं, और यहाँ पे जो फैब्रिक हमने यूज़ किए हैं ये 100% कॉटन के साथ, ये सॉफ्ट जो है ना लोन जो है फैब्रिक, वो फैब्रिक हमने लिए हैं। आप लोग कोशिश करना ऐसा कोई फैब्रिक लेने के लिए जो इसको बार बार आयरन करना ना पड़े, जो आप जब जब आप लोग वॉश करेंगे उसको आयरन करना ना पड़े, ऐसा कोई फैब्रिक लेना। तो इसका क्या होता है क्या, ये बहुत ही सॉफ्टली रहता है और नीचे में स्ट्रेटली रहता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। सेंटर के हमें वी कट के लिए हमने लिए हैं 7 इंचेस, और हमारी वेस्ट साइड के लिए हमने लिए हैं 3 इंचेस। इसको मार्क करते हुए हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगल के जैसे कट कर देना है, और दिखने में तकरीबन इस तरह से होंगे हमारा ये पार्ट। तो अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। हमारी ये फ्रंट पार्ट जो है उसको हम लोगों को तकरीबन 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखते हुए हमें 1/2 इंच तकरीबन इसको ज़्यादा कटिंग करना है, इस तरह से। जब ये कटिंग हो जाए उसके बाद हम अटैच करेंगे हमारी नेक को। तो यहाँ पे हमारी ये जो स्कर्ट है, स्कर्ट को मैं पहले दिखा देती हूँ। ये सिर्फ मेरी फ्रंट साइड के लिए हमने ले रहे हैं, मुझे बैक पार्ट के लिए और एक पेस चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 बार फोल्ड करके लिए हुए हैं। तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे हमने लिए है फोल्ड करते हुए 20 इंचेस है हमारी लंबा चौड़ाई, और लंबाई हमने लिए है 29 इंचेस। यहाँ पे इसका लंबाई जो है आप लोग कम या फिर ज़्यादा करके ले सकते हो, जो आप लोगों की मेजरमेंट है उसकी हाइट है उससे आप लोग ले सकते हो। और हमने यहाँ पे तकरीबन 1 इंचेस का हमने पैलेट्स दिए हुए हैं और इसको कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी डोरी है, डोरी को हमने यहाँ पे 2 बार दोनों साइड से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे और इसको एक डोरी बना लेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट हम लोग पहले स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग बैक पार्ट को सेंटर पे रखते हुए हम लोग को यहाँ पे एक स्टिच करना है, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे पिन से अच्छी तरह से सिक्योर करके आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिन से अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइप की जो फैब्रिक्स है वर्क करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रेफर करूँगी जब भी आप लोग स्टिचिंग करोगे तो इसको पिन से अच्छी तरह से सिक्योर करके ही आप लोग इसको स्टिचिंग करना, तो रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो अब हम इसको स्टिचिंग कर लिए हैं, और तकरीबन 2 या फिर 3 मिलीमीटर्स रखते हुए हम लोगों को यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो पीसेस हैं हमने कट कर लिए हैं, और वो हम नहीं फेंकेंगे, वो उससे हम लोग कोन बनाएंगे डोरी के लिए। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे राउंड सा शेप आया है वहाँ वहाँ पे हमने छोटे छोटे करके कट कर दिए हैं, और ये जो बचे हुए बॉक्रूम है जो हमारी गले से निकले हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम 4 पीसेस में इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से, और इससे हम बनाएंगे हमारे कोन्स जो हमारी डोरी में अटैच होगा। तो यहाँ पे ये स्टिचिंग का तरीका भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, तो आप लोगों को आसानी होगी इसको बनाने में। जब ये हो जाए उसके बाद हमारी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी हम लोगों को जो नेक है उसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी 4 पीसेस है, तो ये 4 पीसेस हमें बाद में ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको घुमा देंगे, और नीचे से हम लोग एक चाप स्टिच देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो स्कर्ट है,
स्कर्ट को हम लोग अटैच करेंगे। स्कर्ट को हम सेंटर से रखते हुए हम लोग सेंटर पे पहले पिन करेंगे, करने के बाद दोनों तरफ जाएंगे। इससे होगा क्या, एक बैलेंस रहता है, जो कपड़ा है वो सेंटर में रहती है। तो इसी तरह से हमारी ये जो पार्ट है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। जब ये स्टिच हो जाए उसके बाद हम लोग थोड़ा पानी लेके इसके ऊपर छिटा के अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। पानी से अगर हम लोग आयरन करते हैं तो ये टोटली फ्लैट होके रहता है और जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे हमने पिन से इसको ब्लॉक कर दिया है ये स्टोरी को, और यहाँ पे इस साइडों पे हम लोगों को दो स्टिच कर देना है, देखिए इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी ये जो डोरी है वो कंप्लीट हो गई है। ये हमारे बैक पार्ट का जो नेक है वहाँ पे हम लोगों को अटैच करना होगा। तो अब हम इसको आयरन कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये जहाँ पे हमने पैलेट्स को अटैच किया है वहाँ पे हमारी लेसेस को हम लोग अटैच करेंगे। सेम लेस में स्लेवेस पे और हमारी जो नेक है वहाँ पर भी हम लोग इसको लगाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारी ड्रेस और स्लेवेस को स्टिच कर लेंगे और बॉडी का जो पार्ट है उसको भी हम लोग स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको अटैच कर देंगे, दो स्टिच देके इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हमारी जो नेक है नेक को हम अच्छी तरह से इस तरह से घुमा के राइट तरफ ले आएंगे। लेने के बाद यहाँ पे चाप स्टिच देकर यहाँ पर भी हम लोग लेस अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो इससे होगा क्या, जो फिनिशिंग लाइंस है वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये है रिजल्ट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगे कॉमेंट के दौरान मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।